एनेंशियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, मीजोफॉर्म, रैसमिक मिक्सचर, जैसे ये वर्ड दिमाग में आते हैं तो कन्फ्यूजन साथ में लेकर आते हैं। और कोई ये पूछ ले कि इन दो कंपाउंड्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं, क्या एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स हैं, मतलब वो क्वेश्चन तो भाई दिमाग के ऊपर से जाता है। आज उन्हीं क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे और बहुत बेसिक से इनके बीच में देखेंगे कि एनेंशियोमर्स होते क्या हैं, डायस्टेरियोमर्स होते क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। अपन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ रहे थे और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में कई सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। ऐसे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है और कौन सा कंपाउंड इनएक्टिव होने वाला है। आज अपन कुछ टर्म पर बात करेंगे, जैसे एनेंशियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, मीजोफॉर्म, रैसमिक मिक्सचर, इन सब की बात आज अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास टर्म है वो है एनेंशियोमर्स की। एनेंशियोमर्स है क्या? एनेंशियोमर्स एक टाइप का रिलेशन है भाई। अब वो रिलेशन क्या है उसकी बात करते हैं। जैसे समझो आपके पास एक कंपाउंड है कुछ इस तरह से, कंपाउंड आपके पास कुछ इस तरह से, ये कार्बन इससे COH कनेक्टेड है, यहां पर आपका CH3 कनेक्टेड है, एक H कनेक्टेड और एक OH कनेक्टेड है। ये बेसिकली आपके पास एक लैक्टिक एसिड है, ठीक है। क्या है आपके पास? ये लैक्टिक एसिड, जो अपन ने पहले भी यूज करा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, इस कंपाउंड को थोड़ा गौर से देखें तो इसमें यहां पर जो एक कार्बन है, ठीक है, वही काइरल सेंटर है। इसके अलावा कोई भी एटम काइरल सेंटर नहीं है भाई, ठीक है। यहां पर सिर्फ एक ही काइरल सेंटर और एक ही काइरल सेंटर है, मतलब ये क्या होने वाला है हमारा? ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आपके कंपाउंड में सिर्फ एक काइरल सेंटर है तो 100% गारंटी है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब इसकी अपन एक मिरर इमेज भी बना सकते हैं। अगर इसकी एक मिरर इमेज बनाए तो मिरर इमेज क्या करना है? एक सीसा लेंगे भाई, मिरर लेंगे बीच में, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? इसकी मिरर इमेज कुछ इस तरह से आने वाली है। ये कार्बन, ये COOH, ठीक है, ये आपका OH इधर चला जाएगा, ये CH3 और ये H पलट गया। सिर्फ मिरर इमेज में क्या हुआ, ऐसा लिया और पलट दिया इस कंपाउंड को, तो ये इसकी मिरर इमेज हो गई। अब इस कंपाउंड में भी सिर्फ एक काइरल सेंटर होगा, यही काइरल सेंटर होगा। अगर सिर्फ एक काइरल सेंटर है मतलब ये भी हमारा क्या होने वाला है? ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। अब इन दोनों कंपाउंड को थोड़ा गौर से देखो, ठीक है, क्या ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं? क्या ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं? स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या कि ऐसे कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन इनकी जो कॉन्फिग्रेशन है वो अलग अलग आ रही है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। अब यहां पर सोचो, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? हाँ भाई, मिरर इमेज तो है। क्या ये एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है? क्या सुपर इम्पोजिबल हो सकती है कि नहीं हो सकती है? इसे उठाओ, इसे उठा के यहां पे पुट करो, ये OH यहां पर आ रहा है, यहां तो H आ रहा है भाई, सुपर इम्पोज तो नहीं हो पा रहे, मतलब एक दूसरे की क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो एनेंशियोमर्स एक टाइप का रिलेशन होता है ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स के बीच में जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है। दोबारा से सुनना इस बात को कि एनेंशियोमर्स क्या है? एनेंशियोमर एक टाइप का रिलेशन है किनके बीच में? स्टीरियो आइसोमर्स के बीच में जो एक दूसरे की क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं भाई, तो ये क्या है भाई? एक टाइप का रिलेशन है किसके बीच में? स्टीरियो आइसोमर्स के बीच में, स्टीरियो आइसोमर्स के बीच में जो एक दूसरे की क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, ये ध्यान रखना है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है भाई, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, ठीक है। ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर ये प्लस थीटा से घुमा रहा होगा तो ये माइनस थीटा से घुमा रहा होगा, अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो ये लिवो रोटेटरी होने वाला है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं,
तो वो क्या कहलाएंगे, एनेंशियोमर्स कहलाएंगे। एनेंशियोमर्स एक रिलेशन होता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के बीच में, याद रखना किसके बीच में, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के बीच में, तो एक दूसरे की क्या होती है, नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज होती है। तो एनेंशियोमर्स ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन है जो एक दूसरे की नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज है। ये पीपीएल को रोटेट करती है इक्वल एंगल से बट अपोजिट डायरेक्शन में। ये अगर प्लस थीटा से घुमा रहा है तो ये माइनस थीटा से घुमाएगा, इक्वल एंगल से घुमा रहा है लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक डेक्स्ट्रो रोटरी होगा तो दूसरा लीवो रोटरी होने वाला है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एनेंशियोमर्स बिल्कुल सिंपल स्टीरियो आइसोमर्स के बीच का रिलेशन, जो एक दूसरे की क्या होती है, नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज होती है, तो उन्हें आप क्या बोलते हो, एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के बीच का रिलेशन जो एक दूसरे की नॉन मिरर इमेज है, उन्हें आपने क्या बोल दिया, एनेंशियोमर्स बोल दिया, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जनरली सेम होती हैं। ठीक है, ये लिख लेना भाई इसमें, दे हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ठीक है, फिजिकल तो ज़्यादातर सेम ही होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा लफड़ा होता है यार, केमिकल प्रॉपर्टीज में लफड़ा होता है। ठीक है, लफड़ा क्या होता है कि जब इन्हें ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कराया जाता है, जब इन्हें ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। इन जनरल कोई पूछे तो इन जनरल पर ऐसा बोल सकते हैं कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा लोचा होता है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जब ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होने वाली है, इस बात का ध्यान रखें। तो एनेंशियोमर्स की कहानी बिल्कुल सिंपल, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं, उन्हें आपने क्या बोला, एनेंशियोमर्स। सिंपल सी बात। ठीक है, तो अब एनेंशियोमर्स कोई पूछेगा तो यही लाइन चलनी चाहिए जिससे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन यार, आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल हमारे पास है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है आपके पास, ये आपके पास टार्ट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। कोई आपसे पूछे कि यहां पर ये जो टार्ट्रिक एसिड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो इस कंपाउंड को थोड़ा गौर से देखो। यहां पर ये जो कार्बन है वो कायरल सेंटर, इसकी चार डिफरेंट वैलेंसी, एक OH है, एक H है, एक COH और एक ये पूरा है, ये कायरल सेंटर है भाई। सिमिलरली ये कार्बन भी आपका कायरल सेंटर होने वाला है क्योंकि एक OH है, एक COH है, एक H है और एक ये पूरी वैलेंसी है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कायरल सेंटर नहीं होने वाला है, मतलब आपके पास दो कायरल सेंटर हैं, आप दो कायरल सेंटर आ गए। अपने पास अगर एक कायरल सेंटर होता तो 100% गारंटी होती कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है, लेकिन अब यहां पर दो कायरल सेंटर हैं तो अपन को POS और COS चेक करना पड़ेगा। अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर POS हो सकती है या नहीं हो सकती, आप अगर इस कंपाउंड को इस प्लेन से काटते हैं, ठीक है, ये वाली जो प्लेन है, अगर आप यहां से आप इस कंपाउंड को काटते हैं तो एक पार्ट दूसरे पार्ट की क्या हो रही है, मिरर इमेज हो रही है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है यार, POS प्रेजेंट हो रहा है। अगर POS प्रेजेंट हो रहा है मतलब ये क्या होने वाला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है, क्योंकि POS अगर प्रेजेंट हो गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तो उन कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हो, मीजोफॉर्म। उन कंपाउंड्स को आप क्या बोलने वाले हो, मीजोफॉर्म। ये जो कंपाउंड है वो क्या है भाई, मीजोफॉर्म है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब एक बात समझ नहीं आती कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो कैसे गया, इसके पास तो कायरल सेंटर था तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे हो गया, कि यहां पर बेसिकली होता क्या है कि अगर ये कायरल सेंटर पीपीएल को प्लस थीटा से रोटेट कर रहा है तो ये नीचे वाला कायरल PPL को माइनस थीटा से रोटेट करेगा। मतलब नेट थीटा कितना आया, इसका प्लस थीटा, इसका माइनस थीटा, तो नेट एंगल ऑफ रोटेशन कितना आया कि 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री आया मतलब ये कंपाउंड क्या होने वाला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। मतलब इस कंपाउंड में इंटरनल कंपनसेशन हुआ है, समझ रहे हो, मतलब बाहर से कुछ नहीं हुआ, इस कंपाउंड ने, एक कायरल सेंटर ने
पीपीएल को प्लस थीटा से रोटेट किया है, तो दूसरे कायरल सेंटर ने पीपीएल को माइनस थीटा से रोटेट किया है, जिसकी वजह से यहां पर नेट एंगल ऑफ रोटेशन जीरो आया है और ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है, मतलब अंदर ही हुआ है ना इसके, इसलिए बोलते हैं इसे इंटरनल कंपनसेशन के कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन के कारण ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक टार्टरिक एसिड का ये फॉर्म है, दूसरा फॉर्म भी अपन बना सकते हैं कि दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है टार्टरिक एसिड का, दूसरा फॉर्म कुछ इस तरह से हो सकता है यार, दूसरा फॉर्म क्या करा है, बस मैंने इस OH की पोजीशन, H और OH की पोजीशन अलग कर दी है, बाकी सब सेम है, दूसरा फॉर्म ये भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर होने क्या वाला है, तो यहां पर इस कार्बन को थोड़ा गौर से देखो, ये वाला कार्बन, इसकी चार डिफरेंट वैलेंसी, एक OH, एक H, एक COH और एक ये पूरा, मतलब चार डिफरेंट वैलेंसी, मतलब ये कायरल सेंटर होगा। इस कार्बन को थोड़ा गौर से देखो, इसका एक H, एक OH, एक COH, एक ये डिफरेंट वैलेंसी, मतलब चार डिफरेंट वैलेंसी, मतलब ये भी कायरल सेंटर होने वाला है। क्या अब यहां पर POS है या नहीं है भाई, आप अगर इस प्लेन को दोबारा से सोच रहे हो, ये वाली जो प्लेन है वहां पर ये POS की तरह काम नहीं करेगी, क्योंकि ऊपर नीचे भाई सेम नहीं आने वाली, मिरर इमेज नहीं होने वाली, क्योंकि एक OH यहां पर है, यहां पर क्या हो रहा है, OH तो यहां पे आ रहा है, मतलब POS तो यहां पर है नहीं है, POS है नहीं है भाई, COS है नहीं है, POS है नहीं है, COS हो नहीं है, मतलब कंपाउंड क्या होने वाला है, ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है, कंपाउंड क्या होने वाला है, ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। ठीक है, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब इसकी एक मिरर इमेज भी बना सकते हैं, मिरर इमेज क्या होगी यार, सामने शीशा रखो, शीशा रखेगा तो यहां पर मिरर इमेज क्या बनेगी, इसको जस्ट पलट दो, पलटोगे तो मिरर इमेज क्या बनने वाली है, मिरर इमेज ये बनने वाली है यार, ये इसकी मिरर इमेज होने वाली है। यहां पर भी ये दोनों कार्बन एज ए कायरल सेंटर काम करने वाले हैं, और यहां पर भी POS नहीं होने वाली है, COS नहीं होने वाली है, कंपाउंड क्या होने वाला है, ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है, कंपाउंड क्या होने वाला है, ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। अब इन दोनों ऑप्टिकल एक्टिव देखकर कुछ चमकना चाहिए, क्या चमकना चाहिए, ये एक दूसरे के स्टीरियोआइसोमर्स हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है और ऑप्टिकल एक्टिव है, और एक दूसरे की क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, क्या सुपर इम्पोज होंगे, इसे उठा के यहां पर रखोगे, OH यहां पर आ रहा है, यहां पर तो H है, सुपर इम्पोज तो नहीं होने वाला है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स हैं और एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, मतलब ये एक दूसरे के लिए क्या होंगे, ये एक दूसरे के लिए एनेंशियोमर्स होने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखने, क्या बात है कि ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस कंपाउंड को यार पहला नाम देता हूं, इसे सेकंड नाम देता हूं और इसको थर्ड नाम देता हूं, कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बताएं भाई। ठीक है, मतलब पहला दूसरा और थर्ड जो कंपाउंड है उसमें क्या रिलेशन है। अब यहां पर इन तीनों कंपाउंड को थोड़ा गौर से देखो कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम है, तीनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी जो कॉन्फिग्रेशन है वो अलग अलग आ रही है। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है लेकिन कॉन्फिग्रेशन अलग अलग आए, तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे ना, मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्या होने वाले हैं, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स, क्या होने वाले हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होने वाले हैं। कोई आपसे पूछे कि सेकेंड और थर्ड में क्या रिलेशन है, अभी अभी देखा भाई, सेकेंड और थर्ड में क्या रिलेशन है कि एक स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं, इसे ही कंफर्म बात है, ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, कंफर्म है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं सही, साथ में क्या होने वाले हैं, ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, एनेंशियोमर्स होने वाले हैं। कोई आपसे पूछे कि यार पहले फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, पहले और सेकंड को देखोगे एक दूसरे के क्या होने वाले हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होने वाले हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, इनकी कॉन्फिग्रेशन अलग अलग, तो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स तो होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स तो होने वाले हैं। स्टीरियो आइसोमर्स होने के साथ साथ इनके बीच का एक रिलेशन और है, क्या है भाई, ठीक है, ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, क्या पहला और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड क्या एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, क्या यहां पे शीशा रखोगे तो यहां पर OH यहां पे आना चाहिए, इस साइड आना चाहिए था, लेकिन यहां तो यही है, मेरा मिरर इमेज भी नहीं है, मतलब ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे की नॉन मिरर इमेज हो, एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो, तो इस रिलेशन को आप क्या बोलते हो, डायस्टीरियोमर्स, याद रखना है। तो यहां पर
फर्स्ट और सेकेंड स्टीरियो आइसोमर्स होने के साथ साथ डायस्टीरियोमर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स भी होने वाले हैं। तो डायस्टीरियोमर्स होते क्या है बेसिकली? डायस्टीरियोमर्स एक रिलेशन होता है स्टीरियो आइसोमर्स के बीच में, जो एक दूसरे के नॉन मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, एक रिलेशन होता है किसके बीच में? स्टीरियो आइसोमर्स के बीच में जो एक दूसरे के क्या होते हैं भाई? नॉन मिरर इमेज होते हैं। जो क्या होते हैं? एक दूसरे के नॉन मिरर इमेज होते हैं, उन्हीं को आप क्या बोलते हो? उन्हीं को आप डायस्टीरियोमर्स बोलते हो। क्या बोलते हो? डायस्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो ये डायस्टीरियो आइसोमर्स हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो एनेंशियोमर्स क्या रिलेशन है स्टीरियो आइसोमर्स के बीच में, जो एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है वो एनेंशियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स रिलेशन है स्टीरियो आइसोमर्स के बीच में, जो एक दूसरे की नॉन मिरर इमेज है वो डायस्टीरियोमर्स। मीजोफॉर्म ऐसे हैं भाई जिनके पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ये ध्यान रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एनेंशियोमर्स की बात कर ली, मीजोफॉर्म की बात कर ली, डायस्टीरियोमर्स की बात कर ली। अब जो एक छोटा सा टॉपिक बचा है वो है रेस्मिंग मिक्सर। तो चलिए देखते हैं रेस्मिंग मिक्सर। यार हमारे पास रेस्मिंग मिक्सर की रेस्मिंग मिक्सर होता क्या है? रेस्मिंग मिक्सर ऐसा मिक्सर होता है जिसमें इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में, इक्वल क्वांटिटी में स्मॉल डी और स्मॉल एल फॉर्म हो भाई। ठीक है, मतलब कैसा कि यहां पर समझें कि आपके पास एक बीकर है भाई, ठीक है, जिसमें आपका कोई एल फॉर्म कंपाउंड भर के रखा हुआ है। ये कितना भर के रखा हुआ है कि 1 मोल पर लीटर। क्या? 1 मोल पर लीटर भर के रखा है कि इसमें 1 मोल है 1 लीटर में एल फॉर्म का। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो दूसरा आपके पास एक बीकर है जिसमें आपका डी फॉर्म भर के रखा हुआ है। कितना भर के रखा हुआ है कि एक भर के रखा हुआ है कि 1 मोल पर लीटर। ठीक है, आपने क्या करा, इन दोनों को मिलाया, एक नए बीकर में मिलाया, और मिलाया तो क्या होगा भाई कि यहां पर एक मिक्सर बनेगा। ये जो मिक्सर बना है उसे आपने क्या बोला है कि ये रेस्मिंग मिक्सर है भाई। रेस्मिंग मिक्सर में इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में, इक्वल क्वांटिटी में डी और एल फॉर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा होगा कि ये एल है मतलब ये लिवो रोटेटरी है, ये डी है मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये अगर प्लस थीटा से रोटेट कर रहा है तो ये माइनस थीटा से, अगर ये माइनस थीटा से रोटेट कर रहा है तो ये प्लस थीटा से। ठीक है, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है, इक्वल क्वांटिटी है किसकी? डी और एल फॉर्म की। इन दोनों को मिलाया तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो यहां पर अगर ये प्लस थीटा से रोटेट कर रहा है तो ये माइनस थीटा से, तो यहां पर जो नेट रोटेशन आएगा वो कितना आएगा भाई? 0 डिग्री। यहां तो घुमाएगा नहीं। अगर ये पीपीएल को घुमा नहीं रहा है मतलब ये जो है वो क्या होने वाला है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। तो याद रखना है कि आपका जो रेस्मिंग मिक्सर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वो पीपीएल को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता है, क्योंकि उसमें इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में, इक्वल क्वांटिटी में डी और एल फॉर्म प्रेजेंट होता है। मतलब अगर ये प्लस एल प्लस थीटा से रोटेट कर रहा है तो ये माइनस थीटा से, तो नेट रोटेशन कितना कि 0 डिग्री। तो रेस्मिंग मिक्सर एक ऐसा मिक्सर जिसमें इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में, इक्वल क्वांटिटी में डी और एल फॉर्म प्रेजेंट हो, तो ऐसे मिक्सर को आप क्या बोलते हो? रेस्मिंग मिक्सर, जो क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज अपन ने क्या क्या सीख लिया? एनेंशियोमर सीख लिया है, डायस्टीरियोमर सीख लिया है, मीजोफॉर्म सीख लिया है, रेस्मिंग मिक्सर सीख लिया है। जल्दी से मैं इन सारी चीजों को रिवाइज कराता हूं। एनेंशियोमर्स ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन है, जो एक दूसरे की नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज हैं। डायस्टीरियोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स के बीच में एक रिलेशन है, जो एक दूसरे की नॉन मिरर इमेज है। मीजोफॉर्म ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर होता है और एक कायरल सेंटर दूसरे कायरल सेंटर के ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल आउट करता है और कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। रेस्मिंग मिक्सर एक ऐसा मिक्सर होता है जिसमें इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में, इक्वल क्वांटिटी में डी और एल फॉर्म प्रेजेंट होता है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ये 4 पॉइंट हैं आज की क्लास की समरी के। तो ये आज अपन ने सीख लिया कि एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, मीजोफॉर्म क्या होते हैं, रेस्मिंग मिक्सर क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे और कुछ नया सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।